कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है ये लड्डू। खास गर्मियों में खाने के लिए बनाया है इसे, वो भी बिना चीनी और गुड़ के। एकदम आसान तरीके से बिना कोई मेहनत के झटपट बनने वाले लड्डू है। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा है, इसमें हम एकदम जरा सा घी डालेंगे और इसी में हम ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर मैंने लिए हैं, ये डाल देते हैं। अब हम इसे घी में अच्छे से ना फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से इनका जो स्वाद है काफी बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता लिया है। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है अपने पसंद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं और जो आपके पास है वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। सेम पैन में फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे। देखिए इस पूरे प्रोसेस में हम घी का ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कप मखाना लिया है। मखाना को भी हम घी में अच्छे से क्रिस्पी होने तक भुनेंगे, ये भी काफी हेल्दी होता है। तो ये देखिए ये भी करारे हो गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे। मैंने यहाँ पर ली है एक कप सूजी। आप कोई भी कटोरी या फिर बाउल यहाँ पे मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आप चाहो तो नॉर्मल वाली या फिर जो बॉम्बे रवा आता है वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। वजन में देखा जाए तो ये लगभग 200 ग्राम सूजी है। इसी के साथ हम आधा कप दूध लेंगे। नॉर्मल दूध है ये, रूम टेम्परेचर वाला, ना ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट सा ना डो रेडी कर लेते हैं। इसे हमें हल्के हल्के हाथों से मिलाना है, ना कि जोर जोर से मसलना है। दूध यहाँ पर कम या ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस क्वालिटी की यहाँ पे सूजी यानी रवा लिया है। अब हम इसे ढककर थोड़ा सा सेट होने देते हैं, तब तक बाकी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो लड्डू को मीठे के साथ हेल्दी भी बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये खड़ी शक्कर ली है। इसे मिश्री या फिर कैंडी शुगर भी कहते हैं। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, एकदम क्रिस्टल केयर जैसा पत्थर होता ना, बिल्कुल उस तरह का। ये आपको बहुत ही आसानी से ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मल चीनी से थोड़ी हेल्दी होती है क्योंकि ये रिफाइंड नहीं होती है। यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेते हैं। तो ये हमारी चीनी भी रेडी हो गई है पीसकर, इसे हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे मैंने सेम मिक्सी का जार लिया है जिसमें हमने हमारी मिश्री को पीसा था, इसे में हम सारा मखाना डालेंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पर जो हमने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स है ना वो भी डालकर साथ में पीस सकते हैं, पर मुझे ये बड़े बड़े पीसेस में ही अच्छे लगते हैं, ऐसे ही खाने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं पीसूंगी। तो चलिए फिलहाल मखाना पीस लेते हैं। तो अब हम रवा यानी सूजी के मिक्सर को चेक कर लेते हैं। सूजी भी हल्की यहाँ पे फूल गई है, तो इसी बाउल में हमने जो पीसा हुआ मखाना है ना ये सारा का सारा इसमें डाल देते हैं। ये देखिए इसका भी मैंने एक दरदरा सा पाउडर बना के रेडी कर लिया है। साथ में जो हमने चीनी पीसी थी ये पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं करनी है, तो इसमें से इस बाउल के हिसाब से आधा कप चीनी ले रही हूँ। इतनी चीनी मेरे लिए सफिशिएंट है। इसमें हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे और इसका थोड़ा सा जायका बढ़ाने के लिए, अच्छी खुशबू के लिए हम इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी डालेंगे। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको इसे और भी ज्यादा टेस्टी बनाना है ना तो आप यहाँ पे नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। आप चाहो तो इसी स्टेज पे मिठास चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगा कि ये थोड़ा मीठा कम है तो आप यहाँ पे थोड़ी और चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने इस तरह का ना एक स्टील का डिब्बा लिया है, इसमें हम ये सारा का सारा जो मिक्सर है वो डालेंगे और इस तरह से फैला देंगे। इसे बंद कर लेते हैं। ध्यान रहे डिब्बे का जो ढक्कन है वो टाइट होना चाहिए, ना कि लूज। यहाँ पर गैस पे मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने रखा था, तो अभी पानी जो है गर्म हो चुका है। इसमें हम इस तरह की छोटी थाली या फिर कटोरी या फिर इस तरह का जो स्टैंड होता है ना वो भी आप ले सकते हैं। इसे उल्टा रखेंगे और इस डिब्बे को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इसमें पानी ना जाए इसलिए हमें इसे एकदम अच्छे से टाइटली बंद करना है। इससे क्या होगा, आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और पानी इसके अंदर चला गया तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और अब हम
इसे ऊपर से भी ढक देते हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पे यानी कि बड़ी आंच में 10 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे। इससे क्या होगा, एक तो सूजी भूनने का जो हमारा टाइम है वो बचेगा, साथ में मेहनत भी कम लग रही है, इससे जो सूजी का कच्चापन है वो पूरी तरह से चला जाएगा और ये स्टीम में यानी कि भाप में अच्छे से पककर रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, गैस को ऑफ करेंगे और डिब्बे को बाहर निकाल लेंगे। ये अभी इतना गर्म है कि हम इसे आसानी से छू नहीं सकते हैं, तो इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं और हल्का ठंडा कर लेते हैं। मिक्सचर जो है अच्छा पक चुका है, आप देख सकते हैं सूजी भी जो है सॉफ्ट हो गई है। यकीन मानिए ये ऐसे खाने में जबरदस्त लगता है। तो देखिए अभी हम इसे आराम से छू सकते हैं, तो इतना ही ये वार्म होना चाहिए, ध्यान रहे कि ये पूरी तरह से इसे ठंडा नहीं करना है, इसका हल्का गर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे और टेस्टी बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए मैंने सेम पैन लिया था जिसमें एक छोटा चम्मच घी को मैंने गर्म करके लिया था जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे, तो ये गर्म हुआ घी इसमें डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिलाकर गूंद लेते हैं। ध्यान रहे हल्के हल्के हाथों से इसे गूंदना है। लड्डू की जो साइज है आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी रख सकते हैं, मैं मीडियम साइज के यानी बाइट साइज के लड्डू बना रही हूँ। तो ये पहला लड्डू बनकर रेडी हो गया है, इसी तरह से सारे के सारे लड्डू फटाफट बना लेते हैं। तो अभी लाइन से काफी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आप कोई भी फेस्टिवल में इवन आप रक्षाबंधन में भी इस तरह से हेल्दी लड्डू बनाकर अपने भाई को खुश कर सकते हैं। एक कप सूजी में आधा से पौना किलो लड्डू आराम से बनकर रेडी हो जाते हैं, कम मेहनत कम झंझट में फटाफट बने हैं, साथ में हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, तो इस लड्डू को जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।